चौमुहा विकास खंड कार्यालय पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष मूलचंद सिसोदिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में चौमुहा ब्लॉक के 41 ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। देवपुरा प्रधान नारायण सिंह ने बताया कि जब से वह प्रधान बने हैं तब से आज तक पंचायत सचिव ने उनकी ग्राम पंचायतों में कदम तक नहीं रखा है। बताया कि ग्रामीण अपने जरूरी काम कराने के लिए पंचायत कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पंचायत सचिव ने उनका मानदेय भी नहीं निकाला है। बिलोड़ा प्रधान सुरेश खान ने बताया कि वह पंचायत सचिव के कार्यकलापों की शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी से भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जावली प्रधान प्रतिनिधि हुकुम सिंह ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक अंधा है, जिसके चलते उनकी ग्राम पंचायत में मनरेगा के काम अवरुद्ध पड़े हैं। बाजना प्रधान इंदल सिंह ने भी पंचायत सचिव के मनमानी करने की शिकायत बैठक में की। प्रधान संगठन के तहसील अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि प्रधानों का शोषण किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय यही लिए गए, प्रधानों की जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार किया गया और ये रखा कि हर महीने में प्रधानों की एक बैठक रहा करेगी हर महीने, और उसमें जो भी प्रधानों के साथ में समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श किया जाए करेगा और समाधान कराया जाएगा। वहीं आज कुछ प्रधानों ने बैठक में अपनी अपनी समस्याएं रखी जी, उनका निदान किस तरह से संगठन द्वारा किया जाए? संगठन द्वारा जिन जिन प्रधानों की जो भी समस्याएं हैं जिससे संबंधित हैं उन्हीं से बात कर कर के विचार करके और एक दो दिन में उनका समाधान किया जाएगा। अगर समाधान नहीं होता है तो उसके लिए चाहे हमें फिर डीएम साहब, डीपीआरओ मैडम या सीडीओ साहब जहां भी जाना पड़े, हम प्रधानों की समस्याओं को लेकर के जाएंगे।